यूनिवर्सल नॉलेज थेरेपी में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े और विराट पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट तिब्बत सीमा पर नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन नहीं है। इतनी ऊंचाई पर बहुत ही पतली हवा और खून को जमा देने वाली ठंड होती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं इस आकाश को छूने वाले विराट और भव्य पर्वत को खोजने में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने सालों गुजार दिए। बात से जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। हर साल दुनिया भर से लगभग 800 लोग इस पर्वत की चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही पहुँच पाते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया के अंदर अस्तित्व में कैसे आया, या इस पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है, इस पर चढ़ने में कितना खर्च आता है, ये सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हिमालय एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन समेत 7 देशों की सीमाओं में फैली हुई है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह विशाल श्रृंखला सबसे ऊंचा शिखर ही माउंट एवरेस्ट कहलाता है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय पर्वत का इतिहास आज से लगभग 500 करोड़ साल पुराना है। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हमारा भारत मैप में वहाँ नहीं होता था जहाँ वह आज नजर आता है। कहा जाता है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण पूरे भारतीय महाद्वीप यूरेशिया से जा टकराया था, और इस टकराव के कारण इस नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसको हम और आप हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। 29 मई सन 1953 ये वो दिन था जब दो पर्वतारोही इस नामुमकिन कार्य को कर दिखाने में सक्षम हुए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे के बारे में, जो एक साथ मिलकर इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे। वैसे आप में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे, इस रिकॉर्ड को ये दोनों शायद कभी नहीं बना पाते, क्योंकि 3 दिन पहले ही टॉम बॉडीजन और उनके साथी चार्ल्स एक्स इस पर्वत पर चढ़ाई करते हुए 28,740 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। उन्हें अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए सिर्फ 300 फीट की चढ़ाई और करनी थी, लेकिन दोस्तों तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल ये दोनों अपनी चढ़ाई आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। साथ ही इन लोगों के पास अब इतना ऑक्सीजन नहीं बचा था कि ये खराब मौसम में अब और सफर कर सकें। ना चाहते हुए भी इन्हें अपने कैंप वापस लौटना पड़ा, और इसके ठीक 3 दिन बाद एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग चोटी पर चढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। वैसे आपको जान के ये काफ़ी हैरानी होगी, पर्वत के शिखर पर पहुंचने की चाहत में अब तक कुल 307 लोग मौत का शिकार हो गए हैं, और इसमें न जाने कितने लोग के शव आज भी हिमालय की गोद में बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों, अगर एवरेस्ट पे चढ़ने और खर्चे की बात करें तो एक व्यक्ति के ऊपर एक बार शिखर तक पहुंचने का खर्चा 40 से 45 लाख रुपए के बीच चला जाता है। इसमें सबसे पहले आपको अपने बजट के अनुसार एक कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये कंपनी आपको शेरपाओं का एक टीम तैयार करके देती है। शेरपा उस के लिए बेस कैंप बनाने, रस्सी बांधने, खाना बनाने और सामान उठाने जैसे
सभी काम करते हैं, यानी देखा जाए तो सिर्फ क्लाइंबर्स को पर्वत शिखर तक चढ़ना और वहाँ से उतरना होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमें कितना वक्त और कितने खर्च में हम हिमालय को की चोटी को समिट कर सकते हैं। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज थेरेपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।